फिर भी विज्ञान के माध्यम से मैं सबसे आग्रह करूंगा, उत्पाद कभी भी टेलीफोन करके नहीं आता है, बचाव में ही बचाव है। हम आप जितना बचा सकें उतना बचना चाहिए। जो लोग आ गए हैं उन सभी से ये मेरी प्रार्थना है कि थर्मस रखें और गर्म जल, गर्म दूध, नितांत गर्म चाय जो भी आप लें, किसी भी कारण से भी ठंडा न लें, शीतल पेय का प्रयोग न करें, गर्म का ही आश्रय करें, भले जिह्वा जरे, क्योंकि गर्म के प्रभाव से ये जो कोविड है इसका सलाइवल स्वरूप अंदर स्टमक में चला जाता है और फिर वो शरीर में इतने प्रकार के रस निकालते हैं, अनेक प्रकार की जो नाड़ियाँ, पैंक्रियाज, भगवान ने यंत्र बना रखे हैं, वो सारे यंत्र उनको समेटने में सक्षम हैं। अस्तु, बिना किसी निर्देश के भी हम इसका पालन करें, सेब नहीं खाएं कोई बात नहीं, संतरा मौसमी जो खट्टी वस्तुएं हैं उनका अवश्य सेवन करें, नहीं तो विटामिन सी का टैबलेट आता है उसको लेकर दिन में कम से कम 4 से 6 चूसें। जाबी लगा के रखिए, भगवान का निर्देश है कि अब तुम्हारा मुंह भी देखने लायक नहीं रह गया, इसलिए मुंह बंद रखो, सर्वकाल जाबी लगाए रखिए। और जो 1 रुपये 2 रुपये वाले मास्क हैं उनका प्रयोग एक बार ही करें। बार बार करने का अर्थ यह है कि हम अपने साथ उसी प्रकार का धोखा कर रहे हैं जिस प्रकार मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग स्वयं तो मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनकी पत्नी हेलमेट हाथ में लिए बैठी रहती है। हेलमेट हाथ के लिए नहीं है, हेड के लिए है। मनुष्य को इस प्रकार की गलती कदापि नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम उसके लिए ही खतरनाक हो जाए।